हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज आपको देखिए कहाँ घुमाने लेकर आई हूँ, राजपुर रोड। तो ये मेरे देहरादून में, मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं रहती हूँ, और आज मैं इधर की साइड आई थी तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाया जाए कि कैसा है हमारा देहरादून। तो दोनों साइड इस तरह पेड़ लगे हैं। ये है ओल्ड राजपुर रोड, और दोस्तों यही जो सड़क है आगे जाकर मसूरी पे मिलती है। तो ये रास्ता जो है मसूरी की तरफ जाता है, और इस टाइम पे यहाँ पर बहुत अच्छी मौसम हो रखा है, बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जैसे कि जून का महीना है और हर तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर आकर लगता है कि हम बिल्कुल पहाड़ के नीचे हैं, और बहुत सुंदर यहाँ पे जगह है ये, और मौसम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं हमेशा गार्डनिंग की वीडियोस ही बनाती हूँ आपके लिए, लेकिन जैसे आज मैं यहाँ आई थी तो सोचा आपके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाया जाए कि जो हमारा देहरादून है उसमें पुराना देहरादून ऐसा ही था। लेकिन अब क्या हो गया है कि सब ने पेड़ काट काट के कंक्रीट जंगल बना दिया है, फ्लैट्स कल्चर हो गया है, मकान बना लिए हैं। तो अब जो लोगों के यहाँ जो ये पेड़ है, ये खूबसूरती है, वो कुछ कम हो रही है। तो दोस्तों रास्ते में ही मुझे एक जगह दिखी जहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए थे, तो सोचा यहाँ रुका जाए और आपके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये बोगनवेलियास की झाड़ियाँ हैं दोस्तों, और लोगों ने इसको हेज की तरह यूज़ किया है। जो बहुत बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं राजपुर रोड में, पुराने घर थे जिनके, तो इस तरह से वो लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये सामने की जो वॉल आप देख रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर पेंट कर रखी है। तो यहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, लोगों के फार्म हाउस हैं, और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, पूरा राजपुर रोड इस तरह से पेंट कर रखा है, बहुत सुंदर लगता है। किसी दिन आपको पूरे एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत पेंट कर रखा है। और इस साइड आप देख रहे हैं, इधर मकान है, और मकानों में बना रखी है बोगनवेलिया की हैज। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं फूल खिले हुए। तो दोस्तों ये एक अट्रैक्शन होता है यहाँ से आने जाने वालों के लिए बोगनवेलिया के, और लोग यहाँ पे रुक रुक के फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तो कितना ही प्यारे ये फ्लावर्स लग रहे हैं, बहुत सारे कलर्स के आते हैं यहाँ पे। आप जैसे देख रहे हैं पिंक है, मेजेंटा है, वाइट है, पर्पल कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, बिल्कुल कागज़ के फूलों की तरह होते हैं, लेकिन जब बंचेस में खिलते हैं तो पूरा बुके की तरह लगते हैं। तो दोस्तों ये कटीली झाड़ियाँ होती हैं, सबको पता है ज़्यादातर, लेकिन इन्होंने इनको इस तरह से यूज़ किया है कि जैसे यहाँ पर जंगल में बीच में रह रहे हैं ये लोग, और यहाँ पर जानवरों से प्रोटेक्शन हो जाती है, सेफ्टी पर्पस से इनको लगाया जाता है। तो देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों घर में तो हम छोटे से गमले में इनको लगाते हैं, और फिर हमें फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फर्टिलाइज़र नहीं है सड़कों के किनारे, ना कोई प्रूनिंग है इनकी, और पानी इसको ज़्यादा चाहिए नहीं होता। तो ये एक आइडियल प्लांट है, तो इस तरह से आप इसको बाउंड्रीज पे लगा सकते हैं। और इसकी खूबसूरती देखिए कितनी ज़्यादा बन रखी है। तो आज मैं इस साइड आई थी तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इसके कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, और फ्लावर्स कितने ज़्यादा खिल रखे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फूल खिल रखे हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट होता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं, जैसे 12 इंच से बड़े गमले में लगाइए, 12 इंच तो ले ही लीजिए, तो इसको आप छोटा सा बोनसाई के रूप में बना सकते हैं। इसकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, उससे क्या होगा मल्टीपल शूट्स आएंगी, और फिर तब जितनी शूट्स आएंगी उतना ही पौधा घना होगा, उसमें उतनी ब्रांचेस आएंगी तो उतने फ्लावर खिलेंगे। तो ये तो ज़मीन में लगे हैं और वाइडली बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जंगली तरह से, और ना इनकी कोई प्रूनिंग है ना कुछ है, लेकिन देखिए फूल कितने ज़बरदस्त खिले हैं। तो जैसे जैसे ये पौधा एजिंग हो जाती है, इसकी थोड़ा सा उम्र हो जाती है, यानी ये कम से कम 10 से 15 साल पुराने होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा ना पुराने हों, तो उस हिसाब से ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा इन्होंने अपने आप को फैला लिया है, और कितने प्यारे इसके फूल खिल रहे हैं। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ज़्यादा गुच्छों में आते हैं, कागज़ की तरह फूल होते हैं, और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, और कलर्स ये जो दूर से ही देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये वाइट कलर तो सबसे ज़्यादा खिलता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो घर में लगा रखे हैं सबसे ज़्यादा वाइट कलर खिलता है, और बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। तो दोस्तों आजकल जैसे कि ये फ्लावर्स खिल रहे हैं, आने
वाला टाइम मानसून का है, अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग्स ले सकते हैं, इसकी कटिंग्स को ग्रो कीजिए और बहुत ही इजीली बोगनवेलिया की कटिंग्स चल जाती हैं। आप पेंसिल की जितनी मोटी टहनी लीजिए और थोड़ा सा पुरानी, और उसमें आप चाहें तो हार्मोनिक पाउडर लगा दीजिए, नहीं तो आप उसको एलोवेरा जेल में भी डिप करके लगाएंगे तो आराम से चल जाती हैं इसकी कटिंग्स। और इन कटिंग्स को आप बरसात में ग्रो कीजिए, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है उसमें मॉइस्चर रहता है, तो इस टाइम पे कटिंग्स के लिए आइडियल टाइम होता है बरसात का टाइम। और आप चाहें तो इसकी अलग अलग कलर्स की कटिंग्स ले सकते हैं और उनको लगा सकते हैं एक ही पॉट में। तो दोस्तों इस तरह से वो जब एक ही पॉट में अलग अलग कलर के फ्लावर्स खिलते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। चाहें तो आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, किसी एक पुराने पेड़ पर 5-6 कलर्स की कटिंग्स को ग्राफ्ट कर सकते हैं और एक ही पेड़ में 5-6 तरह के फ्लावर्स, कलर के फ्लावर्स का मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं और इन फूलों का मज़ा ले सकते हैं अपने घर में, गमले में। और अगर आपके यहाँ जैसे आप बड़ा घर है, लॉन है, तो आप इस तरह से बाउंड्री वॉल पे इनको लगा सकते हैं। और देखिए कितनी नीचे की साइड ये लटक रखे हैं और बहुत ही प्यारे फूल खिल रखे हैं। तो दोस्तों ना तो ये ज़्यादा पानी मांगते हैं, ना ज़्यादा खाद मांगते हैं, और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। आप इसमें जितना कम पानी डालेंगे उतने ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितने सुंदर इसमें फूल खिल रखे हैं, ऊपर ऊपर तक इसकी टहनियाँ पहुँच रखी हैं। तो कलर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, और जो इसके घर में जैसे आप इसको बोनसाई के रूप में पॉट में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो ज़मीन में लगा लीजिए तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी खूबसूरती निकल कर आएगी। तो दोस्तों ये एक मैं जैसे जा रही थी रास्ते में, ओल्ड राजपुर रोड है वहाँ पर ये फूल खिले हुए हैं, और आजकल लोग रुक रुक के यहाँ पर अपनी पिक्स खिंचा रहे हैं। तो सोचा आज आपके लिए इसी पर एक वीडियो बनाई जाए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।